जब इंडिया में काफी कम सुपर हीरोज देखने को मिलते थे, लेकिन उस टाइम में एक ऐसा हीरो था जो कि क्रिस काफी हम पसंद करते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन हम इसके मल्टीपल फ्रेंचाइज जो है काफी पसंद करते हैं। लेकिन अब इसके बारे में हम बात करने वाले क्रिस 4 के बारे में, जो कि काफी मजेदार अपडेट निकल के आया है, तो ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही हम इसके साथ कब आपको देखने को मिलेगा, शूटिंग कब स्टार्ट होगा एंड स्क्रिप्ट का क्या हाल है वो भी आपको बताएंगे और रिलीज डेट भी आपको हम बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम प्री प्रोडक्शन की बात करें तो जैसे कि हमें पता चला है कि प्री प्रोडक्शन वाला वर्क है जो एकदम कंप्लीट हो चुका है, जो कि हृतिक रोशन को दिया गया था पहली बार स्क्रिप्ट, तो उन्हें पसंद नहीं आया था, फिर रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने फिर से स्क्रिप्ट उनको दिया गया, तो उसमें कुछ फाइनल टचअप देना बाकी था जो कि वो अब कंप्लीट हो चुका है। फिर फाइनल टचअप देने के बाद वो रेडी हो गया है, जो कि आज के जनरेशन के हिसाब से वो स्क्रिप्ट लिखा गया है और स्क्रिप्ट एकदम कंप्लीट है। और अब बात करते हैं इसमें कास्ट मेंबर की, तो आपको कंफर्म हो चुका है कि ये प्रियंका चोपड़ा और हृतिक रोशन इसमें देखने को मिलेंगे और ये स्टोरी जो है इसमें टाइम ट्रेवल वाली देखने को मिलेगी, और जो टाइम ट्रेवल जहां आपको देखने को मिलता है वहां पे स्टोरी एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और एकदम साथ में जो है इसमें कॉम्प्लेक्स होने का साथ में शूटिंग जो है काफी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है अभी रिपोर्ट एंड रिसर्च के अनुसार बताया जा रहा है कि फरवरी से मार्च के अंदर में इसका शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा, बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार, और अभी जितने भी रिपोर्ट मैंने पढ़े हैं उसके अनुसार यही बताया जा रहा है। लेकिन अब उम्मीद होपफुली ज्यादातर चांसेस हैं कि मार्च तक स्टार्ट हो जाएगा होपफुली। लेकिन अब बात करते हैं इसके पोस्ट प्रोडक्शन में, तो पोस्ट प्रोडक्शन बताया जा रहा है आपको ये देखने को मिलने वाला है, जो कि 2025 के अंदर देखने को मिलेगा ये पोस्ट प्रोडक्शन, जो कि जैसे कि आपको पता है इसमें आपको पहले ही हृतिक रोशन और हृतिक रोशन के पापा उन्होंने एक इंटरव्यू में जो बताया था वो पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, उसको जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन जैसे कि मैंने उस वीडियो के अंदर में बताया था कि कितना हैवी और हॉलीवुड से कम नहीं होने वाला, ये सब कुछ मैंने उधर बताया था। VFX ग्राफिक्स काफी तगड़े लेवल पर देखने को मिलने वाला है, तो जैसे कि अब मैंने बताया टाइम ट्रेवल वाला जो स्टोरी होता है काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, साथ में जो इसके साथ जो पोस्ट प्रोडक्शन भी होने वाला है, VFX हैवी सीरीज मूवी होने वाला है यानी कि, तो इस वजह से आपको ये 2025 के अंत तक चांसेस है कि आपको देखने को शायद मिल सकता है। लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि आपको 2026 में ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको पता है कि वॉर मूवी आने वाला है हृतिक रोशन के, और फाइटर मूवी भी आने वाला है, उसमें शायद बिजी रहने के कारण आपको थोड़ा ज्यादा आपको इसमें देखने को लेट हो सकता है, शूटिंग में अगर थोड़ा भी डिले होता है तो अगर इसमें पोस्ट प्रोडक्शन में भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आप उम्मीद कर रही है कि 2026 के मिड तक रिलीज होते हैं नजर आ सकता है। अगर कंफर्म डेट मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ज्यादा चांसेस है कि आपको 2026 के अंदर देखने को मिलेगा मिड तक। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।